हमारे कुरान में इस नौियत से आता है और हमारी किताबों में लिखा है श्री कृष्ण जी का जब नाम लो बड़ी इज्जत से लो, उन्होंने दुनिया में अच्छी तालीम दी है। उनका एक मंत्र जो है जो उनका जो महाराम रामायण के अंदर लिखा हुआ है वो ये है मनोजवम माम यतेन्द्रम वंदे मतम वराष्ट्रम वातादवतम वानरयुक्तम श्री रामदुत्थम चरणम परब्रह्मे शांताकारम भूजगशयनम लक्ष्मीकांतम सुरेशं पद्मनाभम वंदे विष्णु भवविजहरम निषदगायन्ति सामगाः आनन्यश्चिन्तयन्तु माम् यजमान यजनाम परीय उपासते तेस्यामित्यानाभियोक्तानहं योगसेम वहवेम पवित्रानाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सर्वधर्मानि परित्यजाति ममेकं शरणं व्रज। इसके अंदर बताया है वंदे विष्णु भवविजहरम, तुम्हारा खुदा ये है, तुम ये खुदा के बंदे हो, अपना रुख किबले की तरफ फिराओ, अल्लाह की तरफ फिराओ, ये सब के लिए ये वचन है, श्री गीता का श्लोक है ये। और कहते हैं तुम्हारे अंदर कोई कमीज नहीं, तुम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो, इसीलिए तुम आपस में मिल के रहना, ये तू ये दूसरे के खून के भूखे नहीं होना, उनकी स्त्री तुम्हारी बहने हैं और तुम्हारी स्त्री उनकी बहने हैं, सीता शकुंतला और पार्वती ये हमारी बहने हैं, कैमूर बीबी आयशा फातिमा ये भी हमारी बहने हैं, इनके साथ तुम तवादारी और इज्जत के साथ पेश आओ, उनको जो है उनकी इज्जत लेने के कोई अगर आ गया तो हनुमान बन के अपनी दूम को अग्नि का अग्रवान बन के उसके आईवान को तुम जला दो, क्योंकि हमारी स्त्री की बेइज्जती करते हैं। श्री कृष्ण जी ने जब सीता रानी ने रावण के दरबार में गई तो रावण उसके ऊपर हाथ डाला तो वो क्या की, वो गॉड वो अल्लाह वो परमेश्वर तू कहाँ है, तेरे राम की पत्नी इज्जत आज लूटी जा रही है और तू कहाँ है। जब श्री राम वनवास को गए